कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हुकूमत और नून लीग के रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। नैब ऑफिस तलब किए जाने वालों में हनीफ अब्बासी, मोहसिन लतीफ, गजनफर अब्बास चीना और अंसर मजीद न्याजी शामिल हैं। नैब ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में तलब किया है। नैब की जानिब से लीगी रहनुमा को 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी इरसाल किया गया है और हनीफ अब्बासी को तमाम सवालों के जवाबात के हमरा पेश होने की हिदायत की गई है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान के एक और फर्द को भी कल नैब लाहौर में तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरियम नवाज के मामूजाद भाई मोहसिन लतीफ को औकाफ की जमीन देने के केस में 17 अगस्त को तलबी के नोटिस मौसूल हुए, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, एलडीए और औकाफ के अफसरान भी तहकीकात में शामिल हैं। उधर नैब ने हुक्मरान जमात के अराकीन असेंबली को तलब करना शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ के एमपीए गजनफर अब्बास चीना को 17 अगस्त को तलब किया गया है। इनके साथ भक्कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों को भी बुलाया गया है। इसके अलावा नैब ने सूबाई वजीर मेहनत और लेबर अंसर मजीद खान न्याजी को 19 अगस्त को तलब किया है। सूबाई वजीर के खिलाफ जाब्ता तकर्रियों और तबादलों की शिकायत हैं। इन पर पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में मुबैना तौर पर बेजाब्तगियों का इल्जाम है।